हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग अपनी वीडियोस के लिए एक प्रॉपर थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि थंबनेल आपकी वीडियोस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग विदाउट थंबनेल अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो का जो पर्पज़ है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं चल सकेगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है। इसलिए कस्टम थंबनेल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कस्टम थंबनेल के साथ अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं तो यकीनन आपको थंबनेल के बारे में काफ़ी पता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर एक HD थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आप लोग अपने लिए एक कस्टम थंबनेल को कैसे क्रिएट कर पाएंगे, वो भी HD के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से HD थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसका इंटरफेस आपके सामने। अब आपने सबसे पहले ये आपको राइट कॉर्नर पर 3 डॉट का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको नीचे इमेज साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने साइज़ को चूज़ करना है, अपने YouTube थंबनेल वाला साइज़ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखें जनाब, आपके पास साइज़ आ चुका है। अब आपने यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगा देना है। अगर आप लोग यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अगर यहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप लोग फिर अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से भी कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आप लोग कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास एक बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो मैं वहाँ से गैलरी से पिक कर लूँगा उस बैकग्राउंड को। तो जनाब, यहाँ पर जो मेरे पास है ये प्लस वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें। और यहाँ पर मेरे पास फ़ोटोज़ के अंदर डाउनलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड पड़ा है तो इसी को मैं चूज़ करूँगा। ये देखें, ओके कर दूँगा। तो जनाब, ये बैकग्राउंड आ चुका है, इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है, इसका साइज़ इसके मुताबिक यहाँ पर ये एडजस्ट आ जाए। ठीक हो गया, इतना आपने कर लेना फुल, यहाँ पर इतना आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर लेकर आनी है और आपने टेक्स्ट के ज़रिए लिखना है। तो हूँ ये वाली, जब ये पिक्चर आएगी तो आप लोग इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, यहाँ से मैंने इसको अभी स्ट्रोक वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसको स्ट्रोक देने के लिए यहाँ पर इसको मैंने वाइट स्ट्रोक दे दिया, ठीक हो गया। ये देखें, ये स्ट्रोक देने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है, यानी कि जो चीज़ भी आप लोग लिखना चाहते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ये, और टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर पेंसिल वाले साइन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपने कीबोर्ड की मदद से टाइप करना है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या टाइप करना है। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मेक HD, तो ये टाइप किया है हमने, ओके करते हैं। और इसको यहाँ पर लेकर आकर इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर के अंदर जाकर। इसके अलावा आप लोग इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव बन जाए। स्ट्रोक को ऑन करते हैं, ठीक हो गया ये।
इसके बाद आप लोग यहाँ पर शेडो को भी चूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ये इससे ये मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये देखें जनाब, इसके अलावा आप लोग इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, आपको इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मज़ीद आप लोग इसका कलर यहाँ से चेंज कर पाएंगे, ब्लैक, ये वाइट, कोई भी कलर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मेक HD। अब हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट लेकर आते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपने लिखना है थंबनेल। डन करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें जनाब, ये आ चुका है। अब इसको आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ये देखें, ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला, ये वाला, ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके ज़रिए आप लोग इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड को, जैसे आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, आप लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। रेडियस का ऑप्शन भी है, ये देखें। अब ये हो गया, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको भी स्ट्रोक और शेडो इसका ऑन कर देना है। यहाँ पर स्ट्रोक को भी ऑन कर दिया एक बार, ओके, और शेडो को भी ऑन कर देते हैं ताकि ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब एक टेक्स्ट और लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन मोबाइल, ठीक हो गया, डन करते हैं, ओके करते हैं, और इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस जगह पर। अब इसका जो कलर आपने रखना है, कोई भी अट्रैक्टिव सा कलर चूज़ करते हैं जो यहाँ पर अट्रैक्ट करे, इस बैकग्राउंड के साथ जो अट्रैक्ट करे। अगर हम यहाँ पर ये येलो कलर रखते हैं तो ये भी ठीक है, इसके अलावा ये ब्लैक कलर भी अच्छा है, कोई भी कलर आप लोग रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ, ओके करते हैं। इसके बाद जनाब स्ट्रोक पे जाएंगे, ओके करेंगे, और शेडो को भी ऑन कर देंगे, ये देखें, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। तो ये देखें जनाब, तो हमारा जो थंबनेल है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, सभी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, मुकम्मल थंबनेल आपके सामने रेडी है। तो ये देखें, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अट्रैक्टिव सा थंबनेल है जो हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही इजी है। पिक्सल लैब के अंदर आप लोग अपनी वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि आप लोग अपनी YouTube वीडियोस के लिए कस्टम थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियोस मिलती रहती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।